साड़ी के फॉल सा, ये मैं नहीं गा रहा हूँ, पीछे बज रहा है बिकॉज यहाँ पे मैच चल रहा है। ही प्लेड हियर, लसित मलिंगा प्लेड हियर हियर। ओह वाओ, तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो, जय जिनेंद्रन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त मैं हूँ असिरी लैब्स या फिर असिरी हॉस्पिटल आप कह सकते हो, ये गोल में है और हमें करानी है आरटीपीसीआर रिपोर्ट टू फ्लाई बैक टू इंडिया। तो भाई सीन ऐसा है ना कि एक वर्ड में बोलूँ तो लूट मची है, लूट बस और कुछ नहीं पूरी दुनिया भर में। अपने इंडिया में तो और भी सस्ता है, मतलब ठीक है 600 रुपये में हो जाता है, बट यार सच में यहाँ पे लगभग 2500 रुपया जा रहा है इंडियन करेंसी में, मतलब पर पर्सन 6,500 श्रीलंकन रुपीस। इंडियन करेंसी में काउंट करूँ तो 2400 रुपये के आसपास हो जाता है, तो कॉस्टली ये आई मीन 4 टाइम्स इंडिया से ज़्यादा है। लेकिन वही बात है कि कराना तो पड़ेगा ही, चाहे साम दाम दंड भेद। आपको अगर एक देश से दूसरे देश जाना है तो कहीं पे 48 आवर्स के पहले, कहीं पे 72 आवर्स के पहले आपको टेस्टिंग करके आपको रिपोर्ट चाहिए ही रहती है नेगेटिव। तो बेसिकली हमारी परसों सुबह की फ्लाइट है, इसलिए गोल में ही करा देते, और वही अगर कल कोलंबो जाएंगे और टाइम से रिपोर्ट मिले ना मिले, इससे अच्छा आज गोल में ही करा देते। रेट लगभग सेम ही है, 6,500, चाहे कोलंबो में कराओ या गोल में कराओ, तब ये निपटा देते कोविड रिपोर्ट, फिर आगे घूमेंगे, है ना। लो जी, गोल में इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, 6,500 श्रीलंकन रुपीस भी लेती है टेस्टिंग का। फिर ये है टेस्टिंग लैब जहाँ पे ये कह रहे कि पॉजिटिव पेशेंट है जिसकी वजह से टेस्टिंग होगा, यहाँ झाड़ के नीचे गांव के स्टाइल में। बताओ अभी क्या बोलने का। तभी भाई कैसा लग रहा है, 13,000 श्रीलंकन रुपीस की पावती फटी जो हमारी, कैसा लग रहा है भाई? अच्छा तो नहीं लग रहा है, बहुत महंगा कर दिया है यार यहाँ पे इतना, 13,000 तो अपने इंडिया से 4 गुना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। बॉस मेरे को तो लगा था जैसे कोलंबो इतना बड़ा शहर है तो गोल भी एक ठीक ठाक शहर है, तो वहाँ पे भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स इजीली मिल जाएंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स नहीं है। हमने इतना ढूंढा तो जो गोल रेलवे स्टेशन है, बाजू में गोल का बस स्टैंड है, बस उसी के बाजू में एक परेर एंड सन्स करके एक बेकरी है, आप बोल सकते हो केक शॉप है, वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जैसे कि वेजिटेबल समोसा, फिर चीज़ सैंडविच, प्लेन चीज़, प्लेन सैंडविच कुछ नहीं, और आपका ये मिल्क हो गया, चॉकलेट फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, दैट्स इट। बस वही सब मंगाया और अभी निपटा देके ब्रेकफास्ट। वैसे तो आपको कोई भी कैफे हो, पब हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो, तो वहाँ पे अगर वेजिटेरियन के हिसाब से आप मांगो तो मिल तो जाएगा, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल पिज्ज़ा हो ये वो, लेकिन प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स ये गोल हो गया, एला हो गया, यहाँ पे नहीं मिला। कोलंबो में मिला था, नुवारा एलिया में मिला था, कैंडी में मिला था। तो गाइज आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि मैं अच्छे अच्छे रेट्स में फ्लाइट या फिर होटल हॉस्टल्स कहाँ से बुक करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप। मेरे को ये वीगो ऐप काफ़ी पसंद है, मतलब फ़्लाइट वगैरह अगर बुक करनी है मुंबई टू शारजा तो जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो सारे ट्रैवल कंपनीज और फ्लाइट कंपनीज को कंपेयर करके कितना फास्ट रिजल्ट देता है। एंड सिमिलरली इट वर्क्स फॉर होटल्स, अगर मेरे को शारजा में होटल सर्च करनी है तो जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो जितने भी ट्रैवल पोर्टल्स हैं बड़े बड़े सारों को कंपेयर करके बेस्ट डील देगा आपको। एंड वन मोर बेस्ट थिंग इज आप IRCTC इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स भी बुक कर सकते हो। सो डाउनलोड दिस ऐप राइट नाउ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, और अगर डाउनलोड कर दिया है तो उसे अपडेट कर देना क्योंकि आपको अमेजिंग फीचर्स मिलेंगे। Where is the home? He played here. Lasith Malinga played here. Here? Oh wow. Before 15 years ago. 15 player, years ago. Yeah, he's player this ground. I am from Mumbai. Mumbai Indians. That's why I love Lasith Malinga. Very good man. Yeah, very good man. He lives here now. Yeah. Where? Far to 1 mile. 1 mile. In village. Okay, in village. Yeah. Ah. So now these boys are preparing. This is school team. School team. Yes.
ओके अंडर 17 देन अंडर 19 ग्रेट 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 सो इस वक्त मैं हूँ राजगामा उर्फ रतगामा दोनों एक ही नाम की जगह है और ये बहुत ही खूबसूरत है आई मीन ये तो सिर्फ एक ग्राउंड है जहाँ पे लसित मलिंगा 15 साल पहले प्रैक्टिस वगैरह करते तो काफी अच्छा लग रहा है बिकॉज जाहिर सी बात है श्रीलंका टीम कोई कम चर्चित नहीं है इनफैक्ट 2011 में फाइनल में थी हमारे साथ तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली प्लेयर्स लाइक लसित मलिंगा दिलशान जयवर्धन है संगकारा दे आर सो स्पेशल प्लेयर्स और लसित मलिंगा इसलिए स्पेशल है बिकॉज मैं हूँ मुंबई से तो मुंबई इंडियंस का फैन हूँ भाई विच प्लेयर वानिंदु हसरंग स्पिनर दिस ग्राउंड ओनली एंड दिस स्कूल ओनली पब्लिक स्कूल राजगामा पब्लिक स्कूल ग्राउंड ओके वाओ योर सन इज प्लेइंग हियर विच वन कीपर टू बैक दैट ओके ग्रेट एंड हाँ Under 13 player, yeah, he have national record. National record, he have 31 runs and 10 wickets in test. Yes. Wow. National record. National record, your son. Congratulations. तो ये जो रतगामा विलेज है ये कोई ज़्यादा गॉल से दूर नहीं है मतलब गॉल और हिक्कादुआ के बीच में ही पड़ता है आप गॉल से या तो कोलंबो की बस लो या तो हिक्कादुआ की बस लो पूरा एक ही कोस्ट लाइन बेल्ट है तो आप 15-20 मिनट में पहुंच जाओगे रतगामा उर्फ राजगामा और इसका बस फेयर था 30 श्रीलंकन रुपया यानी कि तकरीबन हो जाता है 10 रुपया इंडियन करेंसी का फेयर रहता है 20 मिनट की बस ड्राइव रहती है और एज आई सेड यू अर्लियर ऑल्सो इन अर्लियर वीडियोस कि जो कोस्ट लाइन की जो ट्रेन पकड़ लो आप बस पकड़ लो कुछ भी पकड़ लो बहुत ही प्यारा सा व्यू आता है समंदर का व्यू कोकोनट ट्रीज का व्यू आनंद ही आनंद हाउ यंग आई लुक 21 28 हाय सो अंडर 13 प्लेयर्स वेरी गुड डू योर बेस्ट एंड कम इन श्रीलंका टीम एंड देन कम इन IPL टीम सो ये है लसित मलिंगा जी का घर अभी तो खैर सारे लोग कोलंबो रहते हैं जैसे कि मदर फादर और छोटे ब्रदर सारे लोग रहते हैं कोलंबो में लेकिन ये है इनके सिक्योरिटी गार्ड राइट सर व्हाट इज योर नेम सोमरत्न हाँ सोमरत्न जी नमस्ते तो भाई ये है लसित मलिंगा जी का घर जहाँ पे वो जन्मे थे जहाँ बॉर्न हुए थे और बस था मन आने का और जगह पता थी जगह पता होने के बाद अगर थोड़ा सा एफर्ट ना दो तो क्या ही मतलब तो ऑटो किया था टुक टुक और थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर अंदर था गांव के अंदर तो आ गए और फाइनली देख लिए हाँ मुझे तो पहले से ही पता था कि कोई मेंबर्स देखने नहीं मिलेगा जिनसे बात कर सकूँ वगैरह बट कोई बात नहीं सिक्योरिटी गार्ड जो इनके है इतने सालों से उन्होंने कहा कि सारे लोग कोलंबो है बिकॉज मदर फादर की थोड़ी उम्र भी ज़्यादा हो गई और हेल्थ कंडीशन उस हिसाब से है कि वो अभी गाँव में नहीं रहते सारे लोग कोलंबो रहते हैं फुल जंगल फुल जंगल चारों तरफ हरियाली चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रॉपर विलेज का डेफिनेशन रहता है ना वही है भाई कि मतलब छोटी छोटी गलियां है गलियां दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है और फिर हर घर के लिए अलग अलग गलियां ये मेरे को बोध गढ़ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस विलेज बोपागोड़ा ये जो रतगामा जो है बड़ा सा उसमें जो बोपागोड़ा है ना ये छोटा सा उसकी खास बात यह है कि लगभग हर घर के लिए प्राइवेट रोड है और रोड के मतलब दोनों तरफ ऐसे पेड़ मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जैसे कि ये देखो ये जो रोड था ये इस घर के लिए था ठीक है अब यहाँ से एक और जो जाएगा तो एक ही घर है वो उधर यहाँ से जो जाएगा रोड वो एक ही घर के लिए यहाँ से जो एक और इस तरफ से ऐसे जाता है जहाँ हम पहले गए थे जहाँ इनको पता नहीं था ऑटो वालों को मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना हर बार तो आना होता नहीं है 5 साल में एक बार आए रह गए तो वही बात है कि वो जो रोड उन्होंने पकड़ा था पहले तो वो दूसरा घर था तो ऐसा मतलब है कि सारे घर के लिए ऐसे प्राइवेट रोड है और दोनों प्राइवेट रोड के बीच में आप देख सकते हो मतलब आजू बाजू देख सकते हो पेड़ ही पेड़ है यार सो दिस इज रतगामा लेक आपको गूगल पे भी दिख जाएगा बहुत बड़ी लेक है एक्चुअली
और यहाँ तक आते ही हो तो थोड़ा लेक वगैरह एक दो अट्रैक्शंस जो भी है कवर कर देना, अच्छा लगेगा, टाइम स्पेंड अच्छा होगा और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। अगर मैं कहीं से भी बात करूँ श्रीलंका में, जितने भी टाइम घुमाऊँ, जितनी भी जगह घुमाऊँ, सबसे अच्छे लोग बात करने में, ऐसे तो हर जगह सारे लोग अच्छे ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छे है, कुछ ज़्यादा ही पोलाइट है, कुछ ज़्यादा ही आपको यू नो सुनना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, समझना चाहते और आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ये मैंने नोटिस किया है इतने टाइम में। नमस्ते, स्तुति 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 मीन्स थैंक यू। वैसे ये 75 श्रीलंकन रुपी का था, इतना बड़ा, इतना मलाईदार, ओए होए मजा आ गया 30 इंडियन रुपीस में, और क्या चाहिए। साड़ी के फॉल सा, ये मैं नहीं गा रहा हूँ, पीछे बज रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैच चल रहा है, कुछ ऐसी लोकल टीम ऑर्गेनाइज करके मैच खेल रही है। बाय द वे ये गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहाँ पे हाल ही में मैचेस चल रही थी वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका का जो टूर चल रहा था, और मैं इस वक्त हूँ डच फोर्ट जो कि है गॉल का बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे आने का कोई एंट्री फी नहीं है, आप आ सकते हो, शाम में आना तो मौसम अच्छा लगेगा, वरना तो दोपहर में आप बहुत ही मतलब आपको इतना गर्मी लगेगा ना। वैसे ये जगह बहुत प्यारा है और फ्री है तो यार और भी अच्छा लग रहा है, और यहाँ से व्यू भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, और स्टेडियम स्पेशली, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब भी यहाँ पे मैच होता होगा पब्लिक तो यहाँ तो खचा खच भर के इधर ही से बैठ के मनोरंजन लेती होगी ना। तो गाइस बस गॉल में ये जो डच फोर्ट है यही एक खास है, इसके अलावा ऐसे बीच वगैरह है गॉल में, लेकिन ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको बीच लाइफ एंजॉय करना है तो उनावटुवा और मिरिसा, अगर पिछले वीडियोस मेरे देखे तो मैंने दोनों बीच के दर्शन करवा दिए आपको। तो बेसिकली साउथ में श्रीलंका के यही दो बीच बहुत बेस्ट है, जहाँ का पानी, जहाँ का वाइब, सारी चीज़ अच्छी है। सो एनीवेज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय करा है, आई होप कि जो मैंने ये व्लॉग बनाया है, चाहे वो विलेज में जाकर हो या चाहे वो यू नो सारी चीजें जो मैंने एंजॉय करी है, आपको पसंद आया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू, लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब।